بسم الله الرحمن الرحيم हेलो गाइस, वेलकम टू इनफेमस फाइव. कराची की इस वक्त आजकल जो मैं कहूँगी कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सैड है. एक तो वैसे ही कुछ हालात, स्ट्रीट क्राइम्स, किडनैपिंग के केसेस से लोग परेशान थे, इन्फ्लेशन अलग जगह थी, लेकिन टारगेट किलिंग जो हमारे यहाँ कराची में अगर आप देखा जाए तो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. मुझे तो लगता है कि रोज़ उन्होंने एक 12 की काउंट कंप्लीट करनी है ऑन एन एवरेज. कोटा उन्होंने पूरा करना है और हर कोई यही बात कर रहा है कि उन्होंने 12 की गिनती पूरी करनी होती है. फिर चाहे आप किसी भी सेक्ट के हों, किसी भी मज़हब के हों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उन्होंने अपनी काउंट पूरी करनी है. लेकिन कराची में इस संडे को, जो पिछले संडे था, उसमें जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है जिसमें लोगों की सिर्फ जाने नहीं गईं बल्कि उनके घर भी उसमें कम्प्लीटली डैमेज हो गए, विच वॉज़ द अब्बास टाउन ब्लास्ट. संडे की शाम थी. आई थिंक एवरी वन इज़ एन्जॉइंग द वीकेंड एंड दे वर प्रिपेयरिंग कि नेक्स्ट स्टेप, कोई ऑफिस के लिए तैयारी करो, कोई स्कूल के लिए तैयारी करो, अगर बच्चे नीचे थे, मार्केट्स थी, रोज़मर्रा के जो सौदा और वो लाने के लिए औरतें निकली हुई होंगी, और वहाँ पे इस तरह का ब्लास्ट किया गया. ज़्यादातर जो बात की गई कि शिया किलिंग थी, शिया ग्रुप को टारगेट किया गया, लेकिन उसमें काफ़ी, जो मेरे रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसमें काफ़ी सुन्नी भी शहीद हुए हैं, और उसमें वहाँ पे काफ़ी अफगानी और पठान फैमिलीज़ भी थी जो उन अपार्टमेंट्स में रहती थी. लेकिन जिस तरह से आई थिंक इस इवेंट को पूरा एक शिया पर्सपेक्टिव से जो हाईलाइट किया गया है, मुझे जो लगता है कि दैट वाज पर्पसली डन. जो वो करना चाह रहे हैं, जो आप देखेंगे जो हज़ारा के किलिंग्स भी हुई थी, जो दो ब्लास्ट भी हुए थे, उसमें वो कुछ नहीं करना चाह रहे, सिर्फ सुन्नी और शियाओं के बीच में एक दरार पैदा करना चाह रहे हैं. बट आई एम रियली ग्लैड कि दोनों शिया और सुन्नी उलेमास इन हादसात में एक साथ आके खड़े हुए हैं, और ना कोई शिया था ना कोई सुन्नी था, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस वॉज किलिंग ह्यूमैनिटी. इंसान है वो, भले वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी सेक्ट के हों, शिया हों, सुन्नी हों, बरेलवी हों, जो भी हों, लेकिन एक जो वहाँ पे मरे हैं वो इंसान थे. उसमें किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी की माँ थी, किसी के बच्चे थे. वहाँ पे जो मैं न्यूज़ में भी देख रही थी कि जो रिपोर्टर्स वहाँ पे कवर करने गए थे, तो वो कहते थे कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त जैसे शाम का एक माहौल होता है, आप मार्केट्स में जाएँ तो हर कोई वहाँ पर होता है, मैच था, तो यंग लड़के नीचे बैठ के देख रहे थे, और ब्लास्ट के वक्त कहते हैं गैलरी से बच्चे इस तरह आके गिरे हैं जैसे सब्जियाँ गिर रही हों उधर उधर. और जो लोग ने उस वक्त वहाँ पे विटनेस किया है तो उन्होंने बोला है कि हर जगह जो थे वो यू नो बॉडी पार्ट्स बिखरे पड़े हुए थे. कितने लोगों ने आके ये भी बोला है कि उनको कोई वन पीस में बॉडी नहीं मिली, उन्होंने पीसेस कलेक्ट कर करके अपने प्यारों को दफनाया है. तो एक तो मैं कहूँगी कयामत का मंजर था. और अफसोस हुआ, आई थिंक जिसके, जैसे कल ज़ीशान मर्चेंट ने भी बात की थी कि जिस इंसान के अंदर थोड़ा बहुत दिल भी होगा ना, वो भी इस हादसे को देखकर थोड़ा सा तो अफसोस हो गया, यू नो सैड हुआ होगा कि यार ये गलत हुआ है. आप लोग के कमेंट्स. एक्चुअली उसमें वहाँ पे दो पैरेलल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, दो फ्लैट्स हैं जो कि कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए. उसमें से एक बिल्डिंग जो है वहाँ 60% शिया कम्युनिटी है एंड 40% सुन्नी है, ठीक है. जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें 60% सुन्नी है और 40% शिया है. सो दे हैव दिस थिंग. दुकानें भी दोनों की हैं, दोनों ठेले. एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, एक तो सबसे बड़ी बात ये, और जाहिर सी बात है चाहे कोई उसमें कोई शिया की का लॉस हो या सुन्नी का लॉस, एक पाकिस्तानी का लॉस है, दस सब एक मुसलमान. लेकिन जो एक पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इसमें कहीं ना कहीं डीप डाउन मीडिया का करेक्टर भी देखें, जो ओवरऑल अगर आप टीवी प्रोग्राम्स देखें, जो जाहिर सी बात है हर डिफरेंट शोज़ में सब लोग जा रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और उसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि आप कराची में नहीं रहते और आपको नहीं पता वहाँ शिया भी हैं सुन्नी भी हैं, तो जो जनरल इम्पैक्ट आप लेंगे वो ये लेंगे कि सारे शियाओं की किलिंग हो रही है इसके रिजल्ट में, ठीक है. मैंने उन प्रोग्राम्स में रेयरली किसी जो एंकर था उसको सुन्नियों के घर पर जाते हुए देखा है और बहुत ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस करते देखा है. एक उसका रीज़न शायद ये भी है कि अभी क्योंकि मीडिया डेफिनेटली मीडिया इज़ प्लेइंग इट्स पार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं उनको स्पाइस भी चाहिए होता है, मिर्च मसाला भी चाहिए होता है. हाँ, जो है मीडिया का ही जो है रोल प्ले करने का मौका है इसमें,
लेकिन वो यही है कि शियाओं की किलिंग ज्यादा दिखा रही है, वो इसलिए अभी हजारा का इंसिडेंट, अभी एक हजारा इंसिडेंट हुआ है, वो सब इश्यूज इसमें आ जाते हैं। लेकिन बता, अफसोस पे मुझे इस बात पे होता है कि हम अपने बच्चों को किस माइंडसेट के लिए तैयार कर रहे हैं। मतलब हम अपने बच्चों को भी, हम वैसे बातें करते हैं कि नहीं डिफरेंसेस नहीं क्रिएट करने चाहिए, मुस्लिम और ये वो, लेकिन जब आप इस तरह के इंसिडेंट में जब शिया किलिंग सुन्नी किलिंग शिया किलिंग सुन्नी कर रहे हैं, तो बच्चों के भी दिमाग में हो रहा है कि शायद शिया लोग गलत हैं या सुन्नी लोग गलत हैं, इसलिए उनको मारा जा रहा है। मतलब आप डीप डाउन, क्योंकि मैं आपको वही बता रही थी कि मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसमें एक होस्ट ने एक बच्ची से पूछा कि बेटा किसी की के हेल्प करने के लिए उसका सेक्स जानना ज़रूरी है, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्ची थी, जाहिर सी बात है वो फेक स्टेटमेंट था। एग्जैक्टली, और ये सरप्राइजिंग है, ये अभी आप देखो रिसेंट टाइम्स में ना ये डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए शिया कम्युनिटी और सुन्नी कम्युनिटी, बिकॉज जब हम अपने बुजुर्गों की बातें सुनते थे तो वो कहते थे उसको किसी को कुछ पता नहीं चलता था कि कौन शिया कम्युनिटी से था या कौन सुन्नी कम्युनिटी से था। गोइंग बैक टू द ब्लास्ट, ए इट वाज अ बिग सिक्योरिटी लैप्स, एक मतलब एक रेजिडेंशियल लोकेलिटी में आपने जाके ब्लास्ट किया। अब तो मैं कहती थी ना, जैसे लोग पहले डरते थे कि मॉल्स में नहीं जाना या कहीं खाने की जगहों पे नहीं जानी, कि एंटरटेनमेंट जो इस तरह की जगह होती है कि वहाँ पे शायद ये ब्लास्ट हो जाए, लेकिन अब तो आपके घरों के अंदर आयशा के एक और चीज़ है। देखें, बात सही भी होती है गलत भी होती है, दोनों पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि उसको पोर्ट्रे कैसे किया जा रहा है। अब इतने सारे प्रोग्राम्स में मैं ये देख रही थी कि जो शर्मिला फारूकी की इंगेजमेंट है उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा था। यस, ठीक है, पुलिस को ये तो नहीं है कि पूरा शहर छोड़ के एक ही जगह चला जाना चाहिए, लेकिन देखिए एक बात और सोचिए, ये मंगनी जो थी वो प्री प्लान थी ना, मतलब पहले से उन्होंने प्लान की हुई होगी कि भाई इस डेट को मेरी मंगनी है, ठीक है, और डेफिनेटली उस वक्त किसी को ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, उसी सेम डे ब्लास्ट भी हो जाएगा। जाहिर है वो एक मंगनी की तकरीब तो एक सेपरेट चल रही थी, ठीक है। सो पॉइंट ये कि क्रिटिसाइज करने का मैटर ये था कि भाई जो इतनी सारी सिक्योरिटी वहाँ पे थी या इतनी सारी पुलिस वहाँ पे थी, वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। मतलब पूरा सिटी, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जी आप पूरे सिटी को खाली छोड़कर और एक जगह आप सिक्योरिटी के लिए ना जाएं, बल्कि आप पूरे सिटी में और वहाँ जो रीज़नेबल, अगर उन्हें सिक्योरिटी चाहिए जो रीज़नेबल सिक्योरिटी है आप उनको दें, ठीक है, लेकिन आप पूरे सिटी को खाली नहीं छोड़ दें बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए या सारी चीज़ों के लिए। पुलिस और रेंजर्स का इसमें फॉल्ट था, लेकिन कंटिन्यूअसली जो चीज़ मीडिया पे दिखाई जा रही थी, इट वाज अ पर्सनल इवेंट, आई थिंक वो सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर है, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई पर्सनल जिंदगी नहीं है। क्या उस दिन कराची नहीं, आप उस दिन मंगनी कर रही थी, आप उस दिन मंगनी कर रही थी, आप जी मंगनी कैंसिल कर देनी चाहिए थी, व्हाई वाज शी कैंसिल? कैंसिल तो नहीं, लेकिन उस एंगेजमेंट में सारे शहर के जो बड़े मिनिस्टर्स वो सब भी तो शामिल हुए भी होंगे ना, तो अगर उनको ब्लास्ट का पता चला है तो देखो कम से कम वो तो जा सकते हैं। मैं जो पॉइंट जो मैंने भी आर्गुमेंट की थी, मैंने कहा देखें वो शर्मिला फारूकी का पर्सनल इवेंट था, दैट्स अ पर्सनल मैटर व्हिच शुड नॉट बी गिवन अ पॉलिटिकल, डेफिनेटली इट्स अ प्री प्लान, ठीक है। लेकिन हाँ, जो उस वक्त गलती हुई है कि वहाँ पे जो एफसी और रेंजर्स और जो पुलिस की जो वहाँ पे क्वांटिटी थी, शायद वो उसमें से थोड़े बहुत रह जाते, बाकियों को वो कहते कि ब्लास्ट वाली जगह वहाँ पे जाएं, दैट वाज वन फॉल्ट। Your Prime Minister was in town. Maybe he should have taken out exactly. Half an hour or 45 minutes. और वो कहते कि यार मैंने या इवेंट पे जाते देख कर, वो कहते अब मुझे उस वाली जगह पे भी जाके देखना, आपने हाजिरी करनी थी ना। इस तरह के इतने मिनिस्टर्स थे, लोगों ने इतनी लिटरली शर्मिला फारूकी पे बैशिंग किया है कि जी तुम मंगनी कर रही थी, तुम ये कर रही थी। मतलब ठीक है, देखें असल में हमारे साथ एक प्रॉब्लम, ये हमारी जनरल सोसाइटी में एक प्रॉब्लम है कि अगर हम किसी को बुरा समझते हैं ना, तो फिर उसकी हमें लगता है कि शायद हर बात बुरी है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या उस दिन कराची में इतनी शादियां होंगी, सबने अपनी शादियां कैंसिल कर दी थी? एग्जैक्टली नहीं की थी ना, तो वो अपना इवेंट क्यों कैंसिल थी? हाँ, लेकिन वहाँ पे जो कुछ मिनिस्टर्स हैं जो जिनका फैमिली इवेंट नहीं था, वो तो निकल सकते थे ना। वो कहते हैं कि साथ भी सारी सी बातें, उनके गार्ड्स आते ही हैं, गाड़ियां भर, तो मेरे ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नहीं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि ठीक है आप आए इवेंट मंगनी की तकरीब आप अटेंड करने आए थे, फिर आप कहते आप इंजॉय कर रहे थे उसमें, क्योंकि मंगनी का ओकेजन आई थिंक पहले शुरू हो गया था ब्लास्ट बाद में। मंगनी स्टार्टेड एट 9 o'clock। ओके, तो आपको जब पता चला है कि जिस वक्त ये बात फैली है कि हाँ ये इंसिडेंट हो गया या इस तरह से हो गया, तो आपको वहाँ, अगर मंगनी बाद में शुरू हुई तो आपको पहले वहाँ जाना चाहिए था, सिक्योरिटी वहाँ मूव कर देनी चाहिए थी, और उसके बाद आप इनसे कह देते कि भाई इतनी हमें रीजनेबल, हम आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट यस, वो मंगनी करना या मंगनी को इंजॉय करना या वहाँ उन पर हम नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, उनका भी एक प्री प्लान्ड ओकेजन था, वो इंजॉय करी थी। हाँ, जहाँ वहाँ जो लोग थे, अगर 9 बजे ओकेजन शुरू हुआ है, ये अपनी प्रेजेंस देके या उस वक्त ज्यादा इनका जरूरी है था कि ये वहाँ जाते, वहाँ पे एटलीस्ट
एक घंटा दो घंटा सेटल करके देन दे कुड हैव ऑलवेज अटेंडेड देयर पर्सनल जो भी उनके थोड़ी देर के लिए वहां जा सकते। बिल्कुल। दूसरी जो मुझे हैरानगी होती है इस बात पे कि पाकिस्तान में आप देखें कि हमने पिछले 4 सालों में एटलीस्ट हमने देखें कि काफ़ी टारगेट किलिंग हुई है और बॉम ब्लास्ट हुए हैं, काफ़ी यू नो काफ़ी हाई ऑफिशल्स जिनमें काफ़ी मिनिस्टर्स जो हैं वो इफेक्ट भी हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी भी आप नहीं देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर चलें ठीक है, अभी आपने देखा कि 2000 सोसाइटी कम्युनिटी पे जो बॉम्बिंग हुई है उसमें शायद वो चले गए थे एक दफ़ा, लेकिन उसके अलावा उनकी सिर्फ एक मजम्मत की स्टेटमेंट आती है, दे डोंट इवन हैव द टाइम टू कम ऑन टीवी या एक छोटी सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं वो भी नहीं करते हैं, आके अपने बाकी ऑफिशियल्स को आगे कर देते हैं, खुद गायब रहते हैं। अगर आप उस दिन शहर में थे वुड यू नॉट हैव गॉन देयर? अगर आप कहते हैं वहाँ पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट था, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इतना बड़ा कॉन्वॉय होता है सिक्योरिटी का, तो ऑलरेडी यानी मैं मुझे तो नहीं लगता था कि वो किसी का मतलब आपको क्या नुकसान पहुंचाएंगे, उनके घर जल गए थे, उनके बच्चे, यानी इंसान जो है वो एक, लेकिन अगर वो उस पॉइंट पे पहुंचते ना मैंने तो कोई उनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट नहीं थी। हाँ। लेकिन यस, अगर आपने 2 दिन निकाल के आप शाम में आप अपने ऑफिशियल्स पीपल्स पार्टी की वहाँ पे जो गए ऑफिशियल, तो ऑब्वियसली लोग वहाँ पे, आप एक मिनट के लिए सोचेंगे किसी का सामने घर जल रहा हो, उसके बच्चे मर चुके हुए हो, वो उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा कि वो इनको नुकसान पहुँचा? नहीं, और अगर हम बाहर के आप उन बेचारे मजलूम लोगों से डर, एक्चुअल प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं बाहर के मुल्कों में, वो अगर इस तरह के कोई भी ओकेजंस या यू नो कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो वो अपने सारी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देते हैं, उनकी प्रायोरिटी वो इवेंट होती है। बिल्कुल। अगर मैं प्रेसिडेंट ओबामा की बात करूँ, वो अपने कैंपेन से निकल के गए थे वहाँ पे, आई थिंक कोई स्टॉर्म आ गया था या कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया था, सो ही लेफ्ट हिज कैंपेन। नहीं तो मैं वही कह रही हूँ ना कि जो आप जो इनके आप जो शर्मिला फारूकी शर्मिला बैशिंग आप कर रहे थे वो तो चले उनकी तो इटसेल्फ एक मंगनी थी, लेकिन वहाँ जो लोग थे सीएम साहब आप जाके उनसे इंटरव्यू करें कि जी आपको जब पता था चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध क्या आपको नहीं पता था वो अभी तक वो उस लोकेलिटी में गए हैं? हाँ, आप जो एंकर्स हैं या सारे मीडिया वाले, नहीं सारे मीडिया वाले उनके पास जाएं और उनसे कहें, उनसे पूछें कि 9 बजे मंगनी शुरू हुई, 7:30 बजे इंसिडेंट, आप वहाँ क्यों नहीं गए? और लोगों ने उनको बोला कि ही शुड हैव रिजाइंड बिकॉज़ इट वाज हिज फेलियर फॉर नॉट, बिकॉज़ वो तो एक डिनायल में मुझे लगता रहते हैं कि कराची में हालात जो है वो बेहतर हो गए हैं, कि सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, आई थिंक यू आर लिविंग अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। लेकिन कल उन्होंने असेंबली में खड़े होकर बोला कि हम किस बात पे रिजाइन करें, हर दौर में कोई ना कोई ऐसा के इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन वो लोग रिजाइन तो नहीं करते। तो कल एक मीडिया में दिखा रहे थे कि यूके और बहुत से कंट्रीज से दिखाए थे कौन कौन से मिनिस्टर्स ने किस किस बात पे आके, बिकॉज दे सेड वी फेल्ड to control the situation and thus we don't deserve to be on this position. देखिए एक चीज़ और भी है कि एक चीज़ अब इन लोगों को समझ लेनी चाहिए, हम लोगों ने तो फिल्में और मूवीज़ देख के समझ ली हैं कि ये जो टारगेट किलर्स हैं जो लोगों को मारते हैं ये हमसे 10 हाथ आगे चलते हैं, आप आज की सोच रहे हैं वो 10 दिन बाद की सोच रहे होते हैं। अभी आपको शायद मतलब एक जो PCHS में एक इन्होंने मौलवी को मारा था, मौलवी की जो डेथ हुई थी, ठीक है, नर्सरी पे, मेरी बहन मुझे बता रही है कि वहाँ एक ज्वेलर के पास से कल ही वो जब कल या परसों बताई थी कि उस ज्वेलर से पुलिस वालों ने 1 हफ्ते की CCTV फुटेज ली थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये देखा कि वो लड़के उस मर्डर से 3 दिन पहले से उसी सेम जगह पर उसी सेम टाइम पर आके प्रैक्टिस कर रहे थे, एक ही लड़के थे उसी सेम जिसमें से एक लड़का आई थिंक पकड़ा भी गया हुआ है, तो वो 3 दिन तक उन्होंने वहाँ उसी सेम टाइम पर आके, देयर वाज नो हाई रूफ बट वो सेम टाइम पे आते थे, उसी पोजीशन में खड़े रहते थे, वही सारी प्रैक्टिस करते थे और भाग जाते थे। 3 दिन तक उन्होंने ये प्रैक्टिस की और 4th दिन उन्होंने, क्योंकि वो इतने प्रिपेयर्ड थे कि हमें क्या करना है और कितने सेकेंड्स, इवन आप ये देखिए उसामा बिन लादेन का जो इन्होंने ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में, जिसकी नेशनल ज्योग्राफिक ने पूरी रिपोर्ट दी थी, एक एक सेकेंड तक फिक्स था कि इस इतने सेकेंड में इन्होंने नीचे उतरना है उसके दे आर वेरी कैलकुलेटेड, और उन्होंने ये तक हिसाब लगाया हुआ था कि इनके घर से रिपोर्टर्स और बाकी लोग कितने डिस्टेंस पे, अगर वो इनके घर पहुंचेंगे तो उन्हें कितना देर लगेगी, 15 या 20 मिनट लगेंगे, एंड देन आप जो है वो 15 से 20 मिनट में आपने वहां से निकलना। अच्छा, हैरानगी पे मुझे दूसरी बात इस पे भी हुई थी कि कराची के संडे को शाम में इतना बड़ा सानिया हुआ, लेकिन फिर भी शायद रोडों पे पुलिस तो मुझे बहुत कम नजर आई थी। अगले दिन जब वो मैयतें लेकर दफनाने के लिए गए, आपने उस पूरे रूट पे सिर्फ एक रेंजर्स की मोबाइल थी, जो जब वो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है या जब उन पर हमला किया गया है
तो वो भी शायद गायब जब आप उस दिन को, तो वो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप ये देखें कि जब बेचारे लोग अपने प्यारों को जो है वो हॉस्पिटल्स में ढूंढ रहे थे, तो पीछे से लोग आके उनके घरों का सफाई कर रहे थे, उनके घरों से सामान लेके जा रहे थे। मुझे लगता है कि तो बेगैरती की हद की है हमारी। हाँ, मतलब ये कि तब भी कोई सिक्योरिटी तो नहीं थी ना, कोई पुलिस वाला रेंजर्स वाला देखता तो यार। लेकिन बताओ, आई स्टिल हैव नॉट लॉस्ट होप गवर्नमेंट से, यस आई एम नॉट होपफुल एट ऑल, बट जो लोगों ने अपने तौर पे स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स थे और जो यंग लोग हैं जो सोशल वर्क और इसमें काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने अपने पॉइंट से जो किया है, खाने उनके लिए कलेक्ट किए हैं, पहनने के लिए कपड़े कलेक्ट किए हैं, उन्होंने रहने के लिए बिस्तर कंबल जो भी चीज़ें उस पर रिक्वायर्ड थी, लोगों से डोनेशंस लिए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो पानी सेल करते हैं या जो खाने जो रेस्टोरेंट्स हैं उनसे खाने पैक करवा के उन मुतासरीन तक पहुँचाया। बल्कि इनफैक्ट काफ़ी मैं ट्विटर पर देख रही थी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपार्टमेंट्स ऑफर कर दिए कि एक साल के रेंट के जो हम पे कर देंगे, बट वो उनके लिए अकोमोडेशन है। कल एक और बहुत अच्छी सजेशन आई थी, समवन ऑन ट्विटर हैड टैग वन ऑफ द पीटीआई ऑफिशियल्स, और उन्होंने बोला कि शायद मलिक रियाज से रिक्वेस्ट की है कि आपके पास इस वक्त इतना, यू नो, यू हैव द कैपेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग फॉर देम, सो व्हाई डोंट यू बिल्ड अनदर प्रोजेक्ट जहाँ पे आप इन जो इस फ्लैट्स के मुतासरीन थे एटलीस्ट इतना तो हम उनको दे सकते हैं। इसमें और भी बहुत से लैप्स हैं, एक तो ये कि हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है, इतने नाखिस मटीरियल इस्तेमाल होता है कि ज़रा से झटके में ऐसा लगता है सारी की बिल्डिंग जो है वो गिर गई है, किसी कस्म का कोई यानी कि मेजरमेंट नहीं है। बट येस, हम लोग, मतलब हमें जो मेरा सिर्फ एक पॉइंट है वो ये है कि मीडिया, क्योंकि बाहर जो लोग रहते हैं देख रहे हैं जो कराची में नहीं रहते, उनको नहीं पता कि कहाँ शिया किलिंग हो रही है, कहाँ सुन्नी की। मीडिया को चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे और उसको इस तरह से एक्सपोज ना करें जो आई थिंक इस इंसिडेंट के थ्रू बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक मीडिया और हम लोग एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, हमें ये डिफरेंसेस ख़त्म करने हैं, और उनका ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो ये टारगेट कर करके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो टारगेट करके मारा जा रहा है, हमारा काम क्योंकि हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस है ही नहीं आयशा। हम लोग अगर कहीं रहते भी हैं, वहाँ शिया सुन्नी सब मिलके रहते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ शिया भी होते हैं सुन्नी भी होते हैं, सो हम लोग तो कभी उस चीज को नहीं फील करते। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है और वही गवर्नमेंट तो बुरी तरह से फेल हो चुकी, तो उसके तो बात ही ना। एंड येट दे सेलिब्रेटिंग कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स, व्हिच आई डोंट नो व्हाई। और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, फोटो सेशन 5 साल में लोगों को इस बात की कि 5 साल उन्होंने कंप्लीट किया, लेकिन उस 5 साल में आपने जो बर्बादियां की हैं, जिस तरह के मसाइल में लोगों को मुतला की है, आई थिंक अगर आप वो देख रहे हैं ना, तो शायद आपकी और एक चीज़ और, गवर्नमेंट को इनको सोच लेना चाहिए कि ये, मुझे तो लगता है कि ऐस कि हम लोग कराची में रहते हैं, पूरा पाकिस्तान हमारा है, बट यस ये हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने सिटी से, और अगर ये, मतलब ये मेरा ख्याल है इनकी गलत फहमी है कि अगर ये समझ रहे हैं कि ये जो चाहेंगे करेंगे, जिस तरह चाहेंगे कराची को बर्बाद करेंगे, सो दिस विल नॉट। लेकिन कराची को आप लोगों को मार सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल के अंदर एक दिल है, एक ह्यूमैनिटी का एक एलिमेंट है जो लोग मदद करने आते हैं, ऐसे सानियों में भी आपने देखा है। लेकिन यस, I think it is time that all of these things need to stop because people are really tired of it. And before it turns into something worse, I think you should better take an action. This is how we're going to end the show. Apne feedback, comments, hamare saath zaroor share kijiyega. Be safe. Allah Hafiz.